गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नीरज। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाऊंगा आज। सो ये कंप्यूटर है जिसको इन्वेंट किया था चार्ल्स बैबेज ने। कंप्यूटर की दो कैटेगरीज हैं, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। तो ये अंडर आता है डेस्कटॉप कैटेगरी में। इसमें ये है सीपीयू, ये है आपका कीबोर्ड, ये आपका माउस और ये आपका मॉनिटर। ये तो चार आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें से आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट एंड शटडाउन कैसे किया जाता है। सो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप मेन सप्लाई ऑन कीजिए। सो हमने सबसे पहले मेन सप्लाई ऑन करी। मेन सप्लाई ऑन करने के बाद सीपीयू में यहाँ पे पावर बटन होता है, ये वाला बटन, इसे आप प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे प्रेस करो, सीपीयू स्टार्ट हो गया। फिर मॉनिटर में एक पावर बटन है, ये वाला, आपने मॉनिटर के पावर बटन को प्रेस करना है। सो इससे मॉनिटर आपका स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। डेस्कटॉप आपका स्टार्ट हो गया, जिसमें इस सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 एक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर में क्या बेसिक्स क्या है। सबसे पहले ये जो आपकी स्क्रीन है इसे डेस्कटॉप कहा जाता है, दिस कंप्लीट स्क्रीन। ये जो नीचे है इसे टास्क बार कहा जाता है। आप कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप रिफ्रेश करोगे। सो आप रिफ्रेश करने के लिए सबसे पहले आप माउस में दो क्लिक्स हैं, ये लेफ्ट क्लिक ये राइट क्लिक, आपको राइट क्लिक प्रेस करना है क्योंकि ये राइट साइड में है। देन आपका यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, तो आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है। अब हमें सीखना है कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करें। तो शट डाउन दी कंप्यूटर, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट बटन है, ये वाला आपका स्टार्ट बटन है, ये बटन, इस पर आप स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कीजिए। सो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में शट डाउन का ऑप्शन है, आपको जस्ट ये यहाँ पे क्लिक करना है। सो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आपका पीसी जो है वो शट डाउन हो गया। अब हम जानते हैं सीपीयू के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये आपका सीपीयू है, अब इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है उसे क्या कहा जाता है। सो सबसे पहले हम सीपीयू को ओपन करेंगे। सो ओपन करने के लिए यहाँ पे स्क्रू है वो निकाल दो एंड इसको आप पुल आउट कर लो। ये कंप्यूटर सिस्टम है सीपीयू, जिसे सीपीयू कहा जाता है। अब इसमें ये वाला जो सिस्टम है, ये चीज़ जिसके ऊपर फैन लगा हुआ है, ये सब, ये तो होते हैं आपके मदरबोर्ड। इस चीज़ को आप कहा जाता है मदरबोर्ड, जिसके ऊपर सब कुछ काम होता है। ये वाले हैं आपके हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर किया जाता है। देन ये थिंग आपकी रैम है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे आपकी मेमोरी स्टोर होती है। ये है आपका SMPS, दिस वन इज नोन एज SMPS, जिसमें आपकी पावर सप्लाई आती है। जहाँ अब यहाँ पे पीछे हम देखते हैं कौन सी चीज वायर कहाँ कनेक्ट होती है। इस पॉइंट पर आपका इनपुट होता है, जहाँ पे आप पावर सप्लाई की इनपुट की जाती है। इस पॉइंट पर ये ब्लू वाले इनमें से इस पर लगता है माउस, जो कि वायलेट कलर में है। ग्रीन कलर में लगता है कीबोर्ड। यहाँ पर एक केबल लगती है जो कि मॉनिटर से कनेक्ट की जाती है। देन यहाँ पर आपके पेन ड्राइव्स या फिर जो USB टाइप के केबल्स होते हैं, जो कि इस प्रकार है, इस तरीके के माउस की केबल दो टाइप में आते हैं, एक इस टाइप से और सेकेंड वन दिस टाइप। ये वाले टाइप की केबल यहाँ लगती है ताकि आपका माउस यूज़ हो पाए, इस तरीके से। देन आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहां पर लगेगा। ये जो तीन नीचे चीजें हैं इनमें लगते हैं हेडफोन्स। इसमें जो रेड कलर का है ये माइक के लिए है, ग्रीन कलर जो है वो आपके ईयरफोन्स के लिए है या फिर स्पीकर्स के लिए। इसके अंदर और जानते हैं, तब हम रैम
इसमें एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू एक कंप्लीट सेट को भी कहा जाता है। फैन है, ये एक फैन है, इसके नीचे सीपीयू लगा होता है। अब ये जो फैन लाइक स्ट्रक्चर है, तब आप इसको निकालोगे इस तरीके से। ये हमने डिटैच कर दिया। अब ये जो सिस्टम है, ये आपका होता है सीपीयू, जो कि आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इसे। ये जो कैसेट लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें कहा जाता है रैम। ये एक बैटरी सेल है एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स जो कनेक्ट किए जाते हैं। अब हम इसे वापस कनेक्ट करेंगे। अब इस तरीके से हम फ़ैन को कनेक्ट कर देंगे। ये फ़ैन कनेक्ट करने के बाद हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। देन हम इसके जो एक्सटर्नल कवर है वो प्लेस कर देंगे, जो कि ये रहा। ये तो थे आपका सीपीयू। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।